हरियाणा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे गार्लिक चिकन विद हनी एंड पालक। तो चलिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। 500 ग्राम्स चिकन का मैंने बड़े बड़े इसकी पीसेस कटवा दिए हैं। इसको हल्का सा, बहुत हल्का हमें बॉईल कर लिया है क्योंकि हमारे इंडियन कंडीशंस में हम बॉईल करना प्रेफर करते हैं, उससे कुक भी अच्छे से हो जाता है। ये हमारा चिकन का ब्रॉथ है। चिकन में हम अच्छे से नमक स्वाद अनुसार, मतलब करीब 500 ग्राम चिकन में हम आधा चम्मच, एक चम्मच के आसपास नमक डालेंगे। इसमें हम काली मिर्च डालेंगे करीब 1 स्पून के आसपास और इसमें हम करीब 2 चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें हम कोई भी वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल या फिर ऑलिव ऑयल या देशी घी कुछ भी डाल सकते हैं। ये अबाउट 2 स्पूनफुल ऑफ मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। पैन को मैंने पहले से ही हल्का सा हीटेड अप कर लिया है। इसमें हम अपने पीसेस कुक होने के लिए डाल देंगे। कुक हो रहा है तब तक हम इसमें अबाउट 1/2 कप ऑफ हनी डालेंगे। इसमें हम 1 कप विनेगर डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। ढक के इसको करीब 10 मिनट के आसपास कुक होने देंगे। ये हमारा चिकन अंदर से व्हाइट टर्न हो रहा है, इसको भी हम 3-4 मिनट और ढक देंगे। कुक हो रहा है, अब इसमें हम हटा के इसमें बटर ऐड करेंगे। ये अबाउट 2 स्पूनफुल ऑफ बटर है। इसके बाद इसमें हम ग्रीन चिलीज डालेंगे कटी हुई, ये हमारे अपने इच्छा के ऊपर है। अब इसमें हम अबाउट फुल 1 स्पून ऑफ गार्लिक के उसको डाल देंगे और कुक होने देंगे। वन बोल ऑफ पालक आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। और उसको भी कुक होने देंगे। Perfect. 2 मिनट के लिए लिड को कवर कर देंगे जिससे कि अपने ही जूस में चिकन कुक हो जाए। अरोमा और फ्लेवर अच्छे से आ रहा है। ये हमारा अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा चिकन ब्रॉथ है वो हम पूरा डालेंगे। इसको तेज आंच पे कुक होने देंगे। हमारा देखिए ग्रेवी अब कुक हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा हनी करीब
सोया सॉस, हनी एंड विनेगर हम उसको इसके ऊपर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भूखने देंगे। आशा है आपको हमारा हनी गार्लिक चिकन विद पालक पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको जरूर घर में ट्राई करें और आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें।